नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। चोर और अपराधी अपने कारनामों को छुपाने के लिए नए नए तिकड़म फेरते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कानून के लंबे हाथ तो कभी उनकी बुरी किस्मत उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा ही देती है और उनका सारा किया कराया पकड़ में आ जाता है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से सामने आया है। यहाँ नोटों से भरी एक गाड़ी पकड़ी गई है, लेकिन ये पकड़े नहीं जाते अगर उनकी कार में आग नहीं लगती और ना ही ये रुपए मिलते। लेकिन कहते हैं कि जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कौवा काट खाता है, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल सिवनी में 20 किलोमीटर दूर गोपालगंज बैजनाथ फैक्ट्री के सामने रविवार रात एक इनोवा कार में आग लग गई। ये आग लगी तो गाड़ी में थी, लेकिन ये आग अपराधियों के काले कारनामों को जलाकर खाक करने वाली थी। इस आग को बुझाने के लिए जैसे ही आरोपियों ने गाड़ी का बोनट खोला तो नोटों के बंडल बाहर निकल आए और 500-500 रुपए के अजले नोट तेज हवा से साथ उड़ने लगे और बिखर गए। ये देखकर गांव वालों ने पुलिस को खबर दे दी। जब तक आग बुझाई गई तब तक लगभग 1.5 लाख रुपए जल चुके थे। पुलिस को खबर मिली तब पुलिस ने आगे कुरई थाने के पास इस गाड़ी को रोका गया और तलाशी ली गई। गाड़ी का बोनट खोला तो देखकर सब के सब पुलिस वाले वहां पे हैरान रह गए और उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि गाड़ी का बोनट रुपयों से भरा हुआ था। इसमें पुलिस को 1.74 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने गाड़ी में सवार तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। दरअसल पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने इतने रुपए गाड़ी के बोनट में छिपाने की जुगत बिड़ाई थी, लेकिन यही रुपए इनके लिए काल बन गए। और तो और शॉर्ट सर्किट या फिर इंजन गर्म होने से कुछ नोट जल गए, जिससे बोनट में धुआं उठा और उसे ही बुझाने के चक्कर में इनकी पोल खुल गई। इस गाड़ी में 1.74 करोड़ रुपए हमें गाड़ी की तलाशी लेने पर बरामद हुए हैं। इसमें हमें तीन आरोपी जो हैं हरिओम यादव, सुनील वर्मा और ग्यास बाबू, इन लोगों से पूछताछ की गई। इन्होंने कोई वैध दस्तावेज या पैसे के बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं दी। इनके द्वारा बताया गया कि ये व्यापारी से पैसे लेकर बनारस से मुंबई जाते हैं और मुंबई से वापस गोल्ड लेके वापस डिलीवरी करने वहाँ बनारस जाते हैं। तो इसमें पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की जाकर 1.74 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। इसमें कुछ जले हुए नोट भी हमें प्राप्त हुए हैं, 1,87,500 रुपए के। अब पुलिस पता करने में जुटी है कि ये रुपए किसके हैं, क्या ये हवाला से कारोबार से शामिल तो नहीं है या फिर ये मामला कुछ और है। खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और इससे जुड़ी जो भी अपडेट आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।